बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 सब्जेक्ट इस्लामियात, पेज नंबर 17। जो आज हम इसका बुक वर्क करेंगे, आज हम करेंगे सवाल नंबर 1, खाली जगह पूर कीजिए। आपने खाली जगह पूर करनी है, चले मेरे साथ मिलकर करें। नंबर 1 देखें, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर डैश है। जो नमाज फ़र्ज इबादत है, इसलिए यहाँ पर आएगा फ़र्ज। नमाज क्या है? फ़र्ज। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। ये देखिए, आप रीडिंग कर चुके हैं। नमाज अदा करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। इसके बाद नंबर 2 देखें, अल्लाह ताला की हम्द सना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हम डैश पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? नमाज। अल्लाह ताला की हम्द सना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? नमाज। नमाज में हम अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करते हैं और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। नंबर 3 देखें, नमाज पढ़ते हुए हमारा मुंह डैश की तरफ होना चाहिए। हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए? किबला की तरफ। किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला का है और तमाम दुनिया के मुसलमान किबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। नंबर 4 देखें, मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ी जाती है जब डैश ग्रूब हो जाता है। क्या ग्रूब हो जाता है? सूरज। जब सूरज डूब जाता है, ग्रूब हो जाता है, मगरिब की नमाज उस वक्त पढ़ी जाती है। नंबर 5 देखें, नमाज पढ़ने से डैश काम करने का जज्बा पैदा होता है। कैसे काम करने का जज्बा पैदा होता है? नेक। इंसान बुराई करने से बच जाता है, उसमें नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। नंबर 1 आएगा फ़र्ज, उसके बाद नमाज, फिर किबला, उसके बाद सूरज और फिर नेक। जो ये काम आपने अपनी बुक के ऊपर लिखना है और साथ में याद करना है। अल्लाह हाफिज़।